नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राज्यपाल और सीएम की श्रद्धांजलि, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया याद। देश की दो महान विभूतियों को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। रांची के त्रिल आश्रम में महात्मा गांधी जयंती के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। इसके साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी के मौके पर राज्यपाल ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। 65 यात्रियों से भरी बस ट्रक से टकराई, 4 की मौत। हजारीबाग में आमने सामने की भिड़ंत के बाद पलटी दोनों गाड़ियां, 12 से ज्यादा घायल। झारखंड के हजारीबाग में टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 4 लोग की मौत हो गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हैं। हादसा शनिवार की रात लगभग 1:30 बजे कटकम सांडी हजारीबाग मार्ग पर हुआ। दोनों गाड़ियों में आमने सामने की भिड़ंत हुई। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां सड़क पर पलट गई। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। सभी लोग गया से ओडिशा जा रहे थे। सभी टूरिस्ट भारत यात्रा पर थे। वो गया के बोधगया मंदिर में दर्शन करने गए थे। सभी दर्शन करके ओडिशा लौट रहे थे। रात करीब 1:30 बजे सब्जी से लदे ट्रक और बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। मरने वाले में सभी लोग ओडिशा के ही हैं। मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट, इन 5 जिलों में वज्रपात की चेतावनी। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के 5 जिले पाकुड़, धनबाद, देवघर, दुमका और जामताड़ा के लिए तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी की है। अपने तत्कालीन मौसम चेतावनी में मौसम केंद्र ने कहा है कि अगले कुछ देर यानी शाम तक इन जिलों के किसी न किसी भाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने, मेघा गर्जन के साथ साथ वज्रपात और वर्षा की प्रबल संभावना जताई गई है। हालांकि दोपहर बाद से ही कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। खराब मौसम और वज्रपात की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए मौसम केंद्र रांची ने जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उन जिले के लोगों से अगले 3 घंटे तक सतर्क और सावधान रहने का आग्रह किया है। वज्रपात की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर शरण लेने, पेड़ के नीचे नहीं रहने, बिजली के खंभे से दूर रहने के साथ साथ किसानों से अगले 3 घंटे तक खेत में नहीं जाने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र ने अपने अलर्ट में स्पष्ट किया है कि मौसम साफ होने पर ही किसान खेत में जाएं। पैसे लेकर घर नहीं बनाने वालों से वसूल की जाएगी पूरी राशि। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत पैसे लेने के बाद भी घर नहीं बनाने वाले लोगों से योजना की राशि वसूली जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा है कि राशि लेने के बावजूद निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को चिन्हित कर उनसे रुपये की वसूली सुनिश्चित करे। विभाग ने निकायों से योजना के क्रियान्वयन की रिपोर्ट मांगी है, साथ ही वसूली गई राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में अब तक लगभग 93,000 आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है। लगभग 85,000 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजना के AHP घटक 3 के तहत कुल 13,702 आवासों का निर्माण होना है। घटक 3 में अब तक 1,639 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 12,063 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा लगभग सभी निकायों में ऐसे लाभुक भी हैं जिन्होंने सहायता राशि प्राप्त करने के बावजूद घरों का निर्माण नहीं किया है। ऐसे लाभुकों को चिन्हित कर उनसे पूरी पैसे की वसूली की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्जन डॉक्टर इरफान को टारगेट कर 5 राउंड फायरिंग, बाल बाल बचे डॉक्टर। बोकारो जिला में डॉक्टर पर फायरिंग हुई है। बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के तेतुलिया में शनिवार रात शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर इरफान पर जानलेवा हमला किया गया। चास मुस्कान अस्पताल से मखदुमपुर स्थित घर जाने के क्रम में बारी कोऑपरेटिव तेतुलिया सीमा पर 2 अपराधी ने डॉक्टर पर फायरिंग की। दोनों अपराधियों ने कुल 5 राउंड गोलियां चलाई जो डॉक्टर की कार की कांच में फंसकर रुक गई। जानलेवा हमले में डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इस घटना से डॉक्टर के परिजन दहशत में हैं। अपराधियों के गोलीकांड की खबर पूरे इलाके में फैल गई है। सूचना मिलने के बाद उनके घर पर शुभचिंतकों का तांता लग गया है। सेक्टर 12 पुलिस के साथ BSCT व बालीडी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर SP के निर्देश पर जिला की सीमा को सील कर अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। रांची के ये पूजा पंडाल मोहल्ले की अपकमन, यहाँ करीब माँ दुर्गा के दर्शन। राजधानी रांची के बकरी बाजार में सबसे आकर्षक पूजा पंडाल बना गया है। यहाँ इस्कान मंदिर की छवि को कलाकारों ने इस अंदाज में उकेरा है कि आपको वास्तविक इस्कान मंदिर में मौजूद होने का आनंद मिलेगा। इधर कुकर बाजार दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा अब की बार बाबा अमरनाथ की गुफा का प्रारूप तैयार कराया गया है।
पंडाल के साज सज्जा के लिए कोलकाता से आए कारीगर दिन रात काम में लगे हैं। वहीं रांची के रांची रेलवे स्टेशन परिसर का पूजा पंडाल बेहद अलग और अद्भुत बनाया गया है। चारों ओर लाइटिंग से ये रंग बिरंगा पंडाल लोग को खूब भा रहा है। वहीं रांची के हरमू का पूजा पंडाल लोग के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का पंडाल झारखंड के सभी पंडालों से बेहद अलग है। यहां का पूजा पंडाल हर साल अपने नए अंदाज के लिए माना जाता है। तेज रफ्तार का कहर, झरिया में ट्रक ने पुजारी को रौंदा। धनबाद के कोयलांचल के झरिया इलाके में तेज रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। रविवार को बोराई ट्रक ने नवरात्रि की सप्तमी की पूजा कर राजा तालाब से लौट रहे मुख्य पुजारी को अपनी चपेट में ले लिया। पुजारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए निजी अस्पताल भेज दिया है। झरिया थाना क्षेत्र के बाटा मोड़ में रविवार की सुबह नवरात्र के सप्तमी के दिन नवपात्रिका की पूजा कर लौट रहे पुजारी को बाटा मोड़ में ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में पुरोहित का पैर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद पंडित को स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में लेकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घायल पुजारी का नाम प्रणय पांडे बताया जा रहा है, जो लोधना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वो झरिया के रेलवे स्टेशन स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करा रहे हैं। वही घटना से गुस्साई स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। हजारीबाग में खोलते तेल से झुलसे तीन बच्चे, नमकीन फैक्ट्री में चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, दूसरे मजदूर के हाथ से कढ़ाई फिसल गई। हजारीबाग में नमकीन और लड्डू बनाने की एक फैक्ट्री में तीन बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। काम के दौरान तीनों पर कढ़ाई का खोलता तेल गिर गया। घटना के तुरंत बाद बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उन्हें रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। घटना जिले के कुम्हार टोली की है। एक बच्चे ने बताया है कि बुधवार को करीब 10:30 बजे रात मिठाई बन चुकी थी। तीनों बगल वाले चूल्हे पर रोटी बना रहे थे, कढ़ाई कोई और उतार रहा था। इस दौरान कढ़ाई उसके हाथ से फिसल गई और उसका तेल तीनों बच्चों पर गिर गया। इन तीनों बच्चों में 14 वर्षीय पिंटू कुमार, 12 वर्षीय रंजन कुमार और 15 वर्षीय नितेश कुमार मांझी शामिल हैं। रंजन ने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है, बाकी दोनों 10वीं तक पढ़े हैं। रंजन और नितेश जमुई के हैं, वही पिंटू जमशेदपुर का है। रंजन ने बताया है कि उसके पिता नहीं हैं, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह फैक्ट्री में काम करता है। नगर विकास विभाग का कॉल सेंटर जल्द बनेगा। लोगों की शिकायतों और समस्याओं का निपटारा करने के लिए नगर विकास विभाग जल्द कॉल सेंटर शुरू करेगा। झारखंड सरकार के नगरीय प्रशासन निदेशालय नगर विकास एवं आवास विभाग ने नागरिकों की शिकायतों के निदान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से निविदा निकालकर आवेदन मांगे गए हैं। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने जल्द कॉल सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 22,000 सीटें खाली। राज्य के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 22,000 सीटें रिक्त हैं। जिलों द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार स्कूलों में कुल 1,06,575 छात्राओं के नामांकन का प्रावधान है, जबकि वर्तमान में विद्यालयों में 84,315 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। विद्यालयों में फिलहाल 22,260 सीटें रिक्त हैं। बोकारो, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रांची, गोड्डा व चतरा में 75% से अधिक सीटें रिक्त हैं। इन जिलों के नामांकन प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में कुल 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। इनमें कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। राज्य में सबसे अधिक 15 विद्यालय पश्चिमी सिंहभूम जिले में हैं, वहीं गढ़वा में 14, रांची में 13, गिरिडीह व पलामू में 12-12, दुमका, हजारीबाग, चतरा व गुमला में 10-10 विद्यालय हैं। गांव गाड़ी योजना को शुरू करने की मांग। झारखंड यात्री संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने गांव गाड़ी योजना का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष प्रेम मित्तल ने इस योजना को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की है। झारखंड के गांव और उससे जुड़े सभी प्रखंडों को शहर से जोड़ने के लिए 600 नए रूट बनाने की योजना का स्वागत किया है। इन रूटों पर बस व अन्य वाहन चलाए जाएंगे। इसमें बस ऑपरेटरों को कई तरह की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। मित्तल ने झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम को भी आरम्भ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हर राज्य का अपना पथ परिवहन निगम है। यहाँ भी आम लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन को स्थापित करने के लिए पथ परिवहन निगम स्थापित किया जाए। झारखंड के 4,117 स्कूलों में नहीं हो सका पीटीएम। झारखंड के 4,117 स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीट पीटीएम नहीं हो सका। इन स्कूलों ने अब तक पीटीएम नहीं होने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों की विद्यालय प्रबंधन समिति और स्कूलों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को 20 अक्टूबर तक कार्रवाई का रिपोर्ट
तलब की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।